कांग्रेस को जो ये 70 से तो कोई माई का लाल शरत मारदा ना भाई, मेरे दौरे किले तो सही नहीं, घर घर की शरत मैं मारू हूँ, 35-40 लाख का है। अच्छा। कोई भी माई का लाल आ जाओ, हाँ शरत लगा रहे हैं। हाँ शरत लगा रहा हूँ, आप लगा लो भाई, कितने की लगावेगा? नहीं आप पत्रकार लगा लो, या और कोई भाई भी और खिलाफ का खड़ा हुआ तो वो लगा लो। शर्त कितने की शर्त लगाने को तैयार है या कैमरे पे? अरे मैं जब अपना घर तक लगाने लग रहा हूँ, हमारे किसान लोग थे उन पे किले उन्होंने कटा दी, 750 किसान लोग मतलब शहीद हो गए, ऐसे चोर सरकार, घटिया सरकार, ऐसी सरकार न तो कभी आनी चाहिए और न आगे आएगी और न आने देंगे। बोलते ना औलाद नहीं है इसके, तो 4-4, 5-5 औलाद है, ये नडानी अडानी इसी की औलाद है, ये तो साहूकारों की सरकार है, किसी गरीब और किसान की सरकार, मजदूर की सरकार नहीं है, ये चोर सरकार है, भ्रष्ट सरकार है, सुई से लेकर हवाई जहाज तक कांग्रेस सरकार ने बनाया है, और अब की बार इनको यहाँ से हरियाणा से भगा के दिखाएंगे। बीजेपी से तो सब कुछ ही हमारे हरियाणा ही में एक तरफा है, आपकी बात। इतना गुस्सा क्यों है बीजेपी से? गुस्सा क्या है, उसने छोड़ा क्या है कोई, मैं बैकबोर्ड से विलय करता हूँ, उसने करा क्या है, किस बरादरी का क्या किया, किसी बरादरी का नहीं किया, सरपंच उसने पीट दिए, आंगनबाड़ी वाले उसने पीट दिए, हमारे किसान लोग थे उन पे किले उन्होंने गड़ा दी, 750 किसान लोग मतलब शहीद हो गए, ऐसे चोर सरकार, घटिया सरकार, ऐसी सरकार न तो कभी आनी चाहिए और न आगे आएगी ना आने देंगे। सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं। हाँ सबका साथ करा, अडानी का साथ कर दिया, अंबानी का कर दिया, इन लोगों का जो उसके बोलते हैं ना औलाद नहीं है इसके, तो 4-4, 5-5 औलाद है, ये नडानी अडानी इसी की औलाद है। अच्छा हाँ जी, उसका अभी दे रखा था कल के पेपर में, अकबर 12,800 करोड़ रुपया माफ कर दिया है उनके, तो इतने आम गरीब आदमी अगर मान लो कोई भी कोई जरूरत हो जाए, अब बहुत से तो क्या मानते हैं अब भाई ये राशन राशन कार्ड पर दाने दे दिए, तेल दे दिया, अरे वो तो कांग्रेस सरकार भी देती थी, है ये तो साहूकार, ये तो साहूकारों की सरकार है, किसी गरीब और किसान की सरकार, मजदूर की सरकार नहीं है। 5 किलो मुफ्त अनाज, 5 किलो वो तो पहले भी कांग्रेस सरकार ने शुरू किया था, इसने क्या किया है, ये चोर सरकार है, भ्रष्ट सरकार है, सुई से लेकर हवाई जहाज तक कांग्रेस सरकार ने बनाया है। जब यहाँ से अपने अंग्रेज लोग गए थे पत्रकारों, मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे को एक कांग्रेस सरकार को उजड़ी हुई विरासत वो मिली थी, उजड़ा हुआ भारत मिला था, इसने कांग्रेस सरकार ने लेके बाइक से लेके फोन से लेके अकबर कंपनियों से लेके सब कुछ कांग्रेस सरकार ने जोड़ा, इस इन चोरों ने क्या किया है उसको बेचने का और लूटने का काम किया है। डबल इंजन की सरकार थी, काम किया है, डबल इंजन की थी वो, एक तो मराला चोर के लिए उसने कोई आड़े बढ़ने नहीं देता, और उनका तो हेलीकॉप्टर भी नहीं उतरने दिया था हमने, हम जो कि एक गरीब मजदूर किसान एक हैं, किसका हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया था, खट्टर का नहीं उतरने दिया, क्यों नहीं, इतनी दिक्कत क्या, सब तो आ सकते हैं ना, सब कोई भी आ सकता है, आप क्यों कैसे, अरे भ्रष्ट आदमी को कौन, हमने फिल्मों में देखी थी और वो हमने करके दिखाया। अच्छा हाँ, और अब की बार इनको यहाँ से हरियाणा से भगा के दिखाएंगे सभी को। हरियाणा से क्यों भगाइएगा, उनका भी हरियाणा है, उनको तो रहने दीजिए। नहीं रात से भगा देंगे ना। अच्छा रात से भगा देंगे, गद्दी से उतारने जा रहे, गद्दी से उतार देंगे, हमारी वोट की शक्ति है जो, उससे उतारेंगे हम, भाई लड़ सकते नहीं, लाठी हम उनका मार सकते नहीं, थप्पड़ मार सकते नहीं, झगड़ा कर नहीं सकते, परंतु वोट की ऐसी चोट मारेंगे जो उनको याद रहेगी। अच्छा हाँ जी, किसान आंदोलन और पहलवान आंदोलन मुद्दा है, किसान आंदोलन पहलवान यह मुद्दा है, सरपंचों का यह मुद्दा है, और रही बात विकास की, अभी तो इलेक्शन यहाँ देख लो, उस बाईपास से रोहतक रोड बाईपास से जींद रोड बाईपास तक है तगड़ी तगड़ी गोड्डे गोड्डे खड़े हैं, ये विकास है हमारा। अच्छा हाँ, गड्ढे में घूम रहे वो विकास बता रहे। हाँ वो विकास है हमारा, यहाँ राम बरस जाता है तो पानी पूरे बाजार के अंदर भर जाता है, वो विकास है हमारा। कितनी सीटें आ रही है कांग्रेस? वो विकास है, अग्निवीर बना दी 4 साल की, वो विकास है, अरे ये 75 साल का हो गया, ये 5 साल फिर मांग रहा है, और हमारे जो नौजवान है उसको
चार साल की अग्निवीर नौकरी खत्म कर दी है, कौशल पे 12,000 रुपए मिलते हैं, एक बच्चा कैसे परिवार को पालेगा, कैसे घर चलाएगा है? नौकरी रही नहीं, कुछ नहीं रहा। हमारा तो यहाँ एक और हो गया, कोई नौकरी लाग जाए तो बालक गरीब घर का, तो उसका बालक की भी शादी हो जाए, नहीं तो नौकरी बगैर तो हमारा शादी भी नहीं होती भाई। हाँ सीधी बात है, इसने तो सब की मैं वो कर दिया, नौकरी दे देने, आप घर भी बच जाएंगे और ब्याह भी हो जाएगा, सारे काम हो जाएंगे। नौकरी मिलने से 3 पीढ़ियों का काम चलता है, ससुराल वालों का भी, उनका भी, 3-4 पीढ़ियां सुधरती है, बच्चों का भी, पोतों का भी। कह रहे थे बीजेपी वाले नौकरी बांट तो रहे हैं। हाँ ये बांट दी ना, अग्निवीर बना दी और कौन सी नौकरी दे दी है, और कौशल बना दी और क्या किया इन्होंने, इन्होंने काम किया है, एयरपोर्ट इन्होंने बेच दिया, BSNL इन्होंने बेच दिया है, रेल इन्होंने बेच दी, ना छोड़ा के है, ये सब कांग्रेस का कराया हुआ था। एक बाइक घर घर बाइक पहुंचाई कांग्रेस ने, घर घर टेलीफोन पहुंचाए, इतना आविष्कार कराया, कंपनियां थी, कंपनियां कांग्रेस ने लगाई, और इस सरकार ने, इस चोर सरकार ने सब कुछ बेचने का काम कर रही है। 18 घंटे काम करते हैं ये चोर, तो काम करेंगे 18 के, इनका तो घर में इनकम हो है, करते हैं अंडानी अंबानी का काम करते हैं, गरीबों का काम नहीं करते, किसान का काम नहीं करते, मजदूर लेवल का काम नहीं करते। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ने बनाया है, एक बीजेपी की सांसद है कंगना रनौत, वो कहती है आजादी 2014 के बाद मिली है। हाँ वह तो के है, ये नाचने कूदने वाली है, इनका कुछ कहे जाओ, इनका कोई स्टेटस है, स्टेटस ही नहीं, सांसद है, हाँ सांसद रहे जाओ, सांसद का क्या बना, नाचने गाने वाले का कोई नहीं होता, वो बेरुपिये होते, कभी किसी चीज का रोल ले लेते, कभी किसी चीज का, असलियत तो मजदूर और किसान वो जानते हैं, हमारे साथ धरातल पे क्या बनी हुई है, उस पर तो कुछ भी कुआ लो, उसको 10 लाख रुपए आप दे दो, 4 ठुमके आपके मार जाएंगे ये फिल्मों वाले, तो उनका क्या है। अच्छा हाँ, तो इस बार लग रहा है कांग्रेस को कितनी सीट आ रही है बताइए। कांग्रेस को जो ये हम तो मान रहे हैं भाई 75 सीट, नहीं 70 से तो कोई माई का लाल शरत मारता हो ना भाई, मेरे दौरे किले तो सही नहीं, घर घर की शरत मैं मारू, 35-40 लाख का है। अच्छा। कोई भी माई का लाल आ जाओ, हाँ शरत लगा रहे हैं। हाँ शरत लगा रहा हूँ। कितना अगर मान ले जाए 70 से कम सीटें आती है कांग्रेस को, कितने पैसे की शरत लगा रहे हैं बताइए। आप लगा लो भाई, कितने की लगावेगा, नहीं आप पत्रकार लगा लो, या और कोई भाई भी और खिलाफ का खड़ा हुआ तो वो लगा लो, शर्त कितने की शर्त लगाने को तैयार है या कैमरे पे। अरे मैं जब अपना घर तक लगाने लग रहा हूँ भाई, द्रौपदी की तरह, वो पांडवों की तरह द्रौपदी की तो मन करे घराड़ी, आज कल युग है मानने के नहीं मानने, उस टाइम पर तो सतयुग था, नहीं तो मैं तो उस चीज में भी तैयार हूँ, यहाँ तक भी तैयार हूँ, इतना शर्त लगाने पर, इतना बड़ा शर्त लगाने शर्त पे क्या। हम तो भाई इस चोर सरकार को भगाना चाहते हैं यहाँ से। अच्छा हाँ, कांग्रेस सरकार को लाना चाहते हैं, कांग्रेस सरकार से गरीबों का भला करेगी, उधार करेगी, तो यही सरकार करेगी।